At this time, Sheikh Rashid, the United Yes. Nations Security Council has put out a resolution condemning in the strongest terms the heinous and cowardly attack by Pakistan-based Jaish-e-Mohammed in Pulwama, in which 40 CRPF jawans were killed. The members of the Security Council condemned in the strongest terms the heinous and cowardly suicide bombing in Jammu and Kashmir, for which the Jaish-e-Mohammed has claimed responsibility. The members of the Security Council undernied the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of these reprehensible attacks of terrorism accountable and bring them to justice, and urge all states in accordance with their obligations. Suni gaur se Pakistan ke baare mein baat ho rahi hai. In accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions, to cooperate actively with the government of India and all other relevant authorities in this regard. What are you saying for you, sir? जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बना हुआ है मोदी जो है ट्रंप की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बना हुआ है इन माय होल पॉलिटिकल ओपिनियन दो दफा मुझे अमेरिका ने जहाज से उतारा आप कहेंगे कि मैं टेररिस्ट था मैंने छुरे वाली बंदूक कभी नहीं चलाई और इसलिए उतारा कि आपने रिपोर्टें दी कि मैं कश्मीर की जद्दोजहद आजादी का हामी हूं वहां हूं आई सपोर्ट द कश्मीरीज आई सपोर्ट द जद्दोजहद आजादी ऑफ कश्मीरीज I believe that the only solution is that both countries should sit together. और अगर आज ट्रंप ये कह रहा है आपको ये बात वो ट्रंप इमरान खान को भी जलील जमले को भेज के कहता है कि आप ठीक थे मैंने कभी तसव्वुर में सोचा नहीं था कि इंडियन हुकूमत अमेरिकन पाजेबे और घुंघरू पहनेगी मैं इंडिया के बारे में एक इंडिपेंडेंट इंडिया एक सेकुलर इंडिया एक नॉन अलाइंड इंडिया मैंने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है मैंने कभी तसव्वुर में नहीं सोचा था कि इंडिया जो है वो ट्रंप या अमेरिकन की पॉलिसियों को टो करेगा और दुनिया में उसके इन्फ्लुएंस एजेंट का रोल अदा करेगा सर पहले तो पाकिस्तान अमेरिका की जेब में बैठा था अब हम लोगों की दोस्ती हो गई है अमेरिका से और अमेरिका पाकिस्तान को ठीक है हमारी जगह आप बैठ गए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि देयर आर दैट दे हैव स्नेक्स इन देयर बैकयार्ड दैट दे हैव स्नेक्स इन देयर बैकयार्ड की सांप पालता है पाकिस्तान सर जी ये पहला सवाल है मेरे दोस्त जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं हम बहुत अरसा उसकी गोद में बैठे रहे हमने जो चूपा है वो आप चूप लें अब सर हिंदुस्तान उससे फायदा उठाया आप उठा लें सर हिंदुस्तान इसका जायका चख लें जो हमने चूपा है हमने जो कुछ किया आपकी आपको जो एक दुनिया में शाइन था कि यू आर इंडिपेंडेंट कंट्री नो एवरीबॉडी थिंक्स यू आर ए इन्फ्लुएंस कंट्री सर ऐसा हमारे बारे में इल्जाम था शेख रशीद अमेरिका के अलावा फ्रांस